नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट क्षेत्र के तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होने के बाद वहां पर जो है निर्माण कार्य अब जो है काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और उस क्षेत्र का जो है सौंदर्यीकरण का काम रफ्तार पकड़ लिया है। तो आज इस वीडियो में आपको हम वो पूरा कवर करके दिखाने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों हम लोग जो है गोदोलिया चौराहे के पास हैं, ये देखिए, और ये जो दाएं साइड अभी जो रास्ता देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 की तरफ चला जाएगा और इधर आपको ये आगे आप दशाश्वमेध घाट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है और ये दोस्तों इस समय का भी सुबह सुबह का ये नज़ारा है और आप देख रहे होंगे कि आपको हर तरफ बाबा विश्वनाथ के जो भक्तगण हैं को दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आपको अब गंगा घाट की तरफ ले चलते हैं, दशाश्वमेध की तरफ। और ये देखिए अभी हम लोग जो है गंगा जी के सामने और सुबह सुबह नाव की पूरी कतार लगी हुई है। और ये जो घाट है आपको बता दें कि अहिल्याबाई घाट है और इसके बगल में शीतला घाट और फिर उसके बगल में आपको दशाश्वमेध घाट। तो ये पूरी घाटों की श्रृंखला है दोस्तों जो आपको गंगा नदी के किनारे मिल जाएगी काशी के पास। और देखिए सुबह सुबह काफ़ी मतलब बेहतरीन यहाँ पर माहौल। और इस समय जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग देखिए आए हैं और फिर यहाँ से फिर वो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। ये देख रहे हैं ये, और ये है शीतला घाट। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है काफ़ी प्राचीन, जो रेड कलर वाला बाई साइड देख रहे हैं ये। और ये देखिए यहीं पे ये आरती का क्षेत्र है जो गंगा आरती होती है शाम के टाइम पे, ये देखिए। और देखिए ये दशाश्वमेध घाट यहाँ लिखा हुआ है। तो एक एंट्री इधर से होती है और जो मेन एंट्री है आपको दशाश्वमेध घाट पे, जो सामने एक लंबा से मंदिर दिख रहे हैं इसके पीछे है, तो उधर भी आपको ले चलेंगे। इससे पहले आपको हम इधर से पूरा भी दिखा दें। तो ये देखिए गंगा माता मंदिर यहाँ पर है और इधर आपको सुबह सुबह के टाइम जो है दुकानें पूरी सज गई हैं देखिए। और आगे आपको सब्जी मार्केट जैसा है पूरा, मतलब जो वेंडर है सब्जी विक्रेता वो अपनी दुकानें देखिए लगाए हुए हैं आगे। चलिए और आगे चलते हैं। और आपको ये जो है आपका जो दशाश्वमेध भवन है ये देखिए यही है, इस साइड से आपको मैं दिखा रहा हूँ, सामने से भी आपको दिखाऊंगा। अभी दोस्तों इसमें जो है दुकानों के जो रजिस्ट्रेशन के लिए उसका काम चल रहा है। और देखिए यहाँ पे जो बोर्ड लगा है ये दशाश्वमेध घाट क्षेत्र का जो है पुनर्निर्माण, ये पूरा इसी के अंतर्गत। ये जो आप देख रहे हैं जो पत्थर लगे हुए हैं ये एरावला घाटी के हैं, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में चुनार के पत्थर के नाम से इसे जाना जाता है। ये सारा पत्थर आपको विश्वनाथ कॉरिडोर में भी लगा हुआ है, इधर भी देखिए लगा हुआ है। तो इसी तरह के पत्थर जो है यहाँ पर आपको अतिक्रमण क्षेत्र हटाया गया, वो अभी आगे चलो दिखाता हूँ, उधर भी ये सब बिछाया जाएगा। तो इधर भी आपको सुबह सुबह पूरा ये देखिए सब्जी मार्केट लगा हुआ है। और इसके इधर देखिए आप दाएं साइड ये देख रहे हैं ये पूरा ये सब भी अतिक्रमण हटाया हुआ है, और जो मलबा है धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है। और इसके दूसरे साइड आपको कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है, उधर भी आपको दिखाएंगे। और इधर के क्षेत्र का जो है पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है और फिर इसको पूरा चुनार का पत्थर लगा करके बेहतरीन बनाया जाएगा। तो चौड़ा करना दोस्तों ज़रूरी भी है, काफ़ी मतलब भीड़ हो जाता है यहाँ पे, देख ही रहे हैं आगे। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आगे सीधा आपको गोदोलिया चौराहे की तरफ चला जाएगा। चलिए आपको इसके पीछे अब उधर ले चलते हैं, उधर का काम दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए और यहाँ पर आपको भी कुछ काम होता हो यहाँ पर दिख रहा होगा। और सुबह सुबह के टाइम यहाँ पर देखिए बेगर्स लोग हैं, तो G20 को देखते हुए दोस्तों बेगर्स जो हैं बनारस के उनके
उनको जो दोस्तों यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, और उनके लिए भी एक परियोजना लाई जा रही है जिससे वो अपना वहाँ पर रह सके और कुछ काम धंधा कर सके। तो ये देखिए बेहतरीन गाड़ी देख रहे हैं, सुबह के टाइम कितना भीड़ है। ये देखिए और ये देखिए आपको ये इधर भी, इधर का जो अतिक्रमण हटा था वो मलबा भी हटा लिया गया है। और यही देखिए बगल में शौचालय है, बगल में शौचालय है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं इधर उधर पेशाब करते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। तो मेरी तो उनसे अपील है कि थोड़ी तो कुछ शर्म वरम कीजिए, मतलब बगल में शौचालय है। चलिए कोई नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। और ये देखिए आपको दशाश्वमेध घाट का ये मेन प्रवेश द्वार है। और ये देखिए सुबह सुबह दशाश्वमेध घाट के नज़ारे, ये देखिए। और सुबह सुबह लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सी एक्टिविटियाँ होती रहती है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ नगर निगम ने ये बोर्ड भी लगाया है, थूकने पर जुर्माना। और दशाश्वमेध घाट का ये देखिए जो भवन बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ का ये एक सेल्फी पॉइंट है ये देखिए। और ये देखिए अब आपको अब हम इधर जो राजेंद्र घाट साइड है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दाएं साइड में जो दीवार है शौचालय जो दिखाया था उसी की दीवार है। और इसके देखिए दोनों साइड ये अतिक्रमण हटा के पूरा तोड़ताड़ दिया गया है। और उधर भी अब आपको चुनार के जो पत्थर बिछाए जाएंगे वो काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो इस सारा जो बनारस को भी चमकाया जा रहा है दोस्तों, G20 को देखते हुए चमकाया जा रहा है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर अपडेट आता है दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और यहाँ आपको बगल में ये देखिए एक म्यूजियम है, वर्चुअल एक्सपीरियंस म्यूजियम बनारस को इसमें पूरा दिखाया गया है। और 25 रुपये मात्र टिकट है, आप जा सकते हैं। बाकी दोस्तों और कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।